हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स। टुडे हमारा वर्डप्रेस का 7th पार्ट है, तो सबसे पहले सैम्प ओपन कर लूँ। ये दोनों स्टार्ट कर लूँगा, अपाचे और MySQL। जी तो कनेक्ट हो गया, अब मैं लोकल होस्ट ओपन कर लूँगा। पासवर्ड और यूज़र नेम इंटर कर दें। जी तो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, अब मैं एक साइड पे अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने थीम अप्लाई की थी, ठीक है। इसमें ऊपर हेडर भी है, हेडर में एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ये राइट साइड पे हेडर पे सोशल आइकन्स दिए हुए हैं, इनमें जो से हम अपने लिंक इनपुट करेंगे। एवेन्यू, ये इनका लोगो है, अगर इस पर आप राइट क्लिक करें तो ऊपर आ जाएगा कि सेव इमेज करनी है या नहीं आपने। तो इसका मतलब यही है कि ये इमेज है तो, और ये लोगो है। इसके बाद जो से हमने ये स्लाइडर चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हमने चेंज करनी है, और ये रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, ये सब कुछ रिमूव करना है। और यहाँ पर हमने जो से अपनी पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो से हम अपीयरेंस में आएंगे और थीम ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, या हमारी ईमेल है admin@itpakistan.org, उस पर सेंड कर दें। हम उसके लिए अलहदा से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें सबकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब बेसिक सेटिंग मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर लोगो हमने ऐड करना है, ठीक है। लोगो हम कहाँ से लेकर आएंगे? बाय द वे, जो सा मैं अपनी जो सी वेबसाइट बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से वेबसाइट हो। आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अगर मेरा लोगो मुझे मिल जाए। जी तो मेरा लोगो यहाँ पे गूगल में शो हो रहा है, मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर लूँगा। अब देखता हूँ कि ये उस जगह फिट होता भी है या नहीं। सॉरी, एक चीज़ जो सी है कि हमारे लोगों का साइज़ क्या होना चाहिए। हर लोगों का अपना अपना साइज़ होता है उसकी वेबसाइट के लिहाज से। हम अगर देखना चाहें कि इसका साइज़ क्या है, तो उसके लिए हम जो सा है एक क्रोम की एक्सटेंशन होती है, गूगल क्रोम की अपनी, ठीक है। वो होती है आई थिंक सो मेयर इट, मेयर इट, ठीक है। मेयर इट ये सबसे पहला लिंक है, मेयर इट क्रोम वेब स्टोर। इसको जो सा आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें, तो ये आपके पास ऊपर राइट साइड पे जो सा ऊपर इनका आइकन आ जाएगा। इससे जो सा आप इसका साइज़ चेक कर सकेंगे कि लोगों का क्या साइज़ है। अब ये मैंने इस पर क्लिक किया है, तो अभी मेरे पास ये स्क्रीन पे आ गया है। अब मैं इससे जो सा इसको इतना एरिया सेलेक्ट करूँगा, और ये यहाँ पे मुझे बता देगा 242 जो सी विड्थ है, और हाइट जो सी है 65 पिक्सल है। अब इसी साइज़ की जो सी है मैंने लोगो रेडी करना है। तो सबसे पहले जो सा मैं अपना एडोब फोटोशॉप जो सा वो ओपन कर लूँगा। जी तो मेरा एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया, ठीक है। जिसके पास नहीं है एडोब फोटोशॉप वो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारी itpakistan.org की वेबसाइट है, उस पर जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करें, और विड्थ जो सी है वो थी 242 पिक्सल, मैं 250 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। और हाइट है 65, इसको मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है। और रेजोल्यूशन जो सी है 300 पे कर देता हूँ। तो ये इस साइज़ का हमारे पास लोगो आ गया हुआ, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, ताकि एक लोगो जो सा वो एक पार्ट
यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें साइज़ लेने के बाद तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, या एस्केप का बटन दबाएंगे तब भी ख़त्म हो जाएगा। मैं टेक्स्ट जॉनसन हूँ, अपना यहाँ पे वेबसाइट का नेम टाइप करता हूँ। आपने भी जो सा अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर ले, नहीं तो गूगल पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। पर अगर आप जो सा वेब वर्डप्रेस डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो सा वर्डप्रेस ये फ़ोटोशॉप भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, सॉरी जो वेब डेवलपर होता है, अगर उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना आती हो तो वो फिर जो सा लोगों की मिन्नतें करता रहता है कि मुझे ये डिज़ाइन बना दो। तो कोशिश करें कि जो सा आप खुद ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, या फिर हमारे नेक्स्ट कोर्स का इंतज़ार करें जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। ठीक है, बस अभी फ़िलहाल मैं जो सा सिंपल सा एक क्रिएट कर लूँगा। और एक और बहुत जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का जो सा कलर स्कीमिंग है वो वेबसाइट की थीम के लिहाज से ही होना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत बुरा इफेक्ट शो होता है, क्योंकि इससे जो सा है वेबसाइट का सारा रिदम ख़राब हो जाता है। मैं तो भी जो सा है जस्ट समझाने के लिए आपको ये लोगो डिज़ाइन करूँ, ये लोगो भी नहीं है बस एक अब आदत ही पूरी करें। बस मैं इसको जो सा इतना ही डिज़ाइन करके JPG फाइल क्रिएट करूँगा और डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा लोगों के नेम से। अब जो सा है मैं यहाँ पे आता हूँ, लोगों में आके यहाँ से फाइल अपलोड करता हूँ। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और अब इसको नीचे कर्सर कर लें और सेव ऑप्शन पे करें। ठीक है, देखते हैं कि क्या चेंजेस हुई हैं। अब मैं F5 प्रेस करके वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें लोगो यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, अजीब सा लग रहा है, बहरहाल आपको समझ तो आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे मैंने किया तो यहाँ पे हेडर बार है, टॉगल द हेडर बार ऑन ऑफ। ये हेडर को जो सा ऊपर हेडर शो हो रहा है इसके ऑन ऑफ के लिए है ये, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फेसबुक का URL दे दें, ट्विटर का URL दे दें, मैं यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का URL देता हूँ। ठीक है, itpakistan.org ही हमारा फेसबुक पेज है, इसका मैं लिंक कॉपी करके ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे फेसबुक URL में पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V करके। इसी तरह ट्विटर का, LinkedIn का, Google+ का, YouTube का यहाँ पे शेयर कर दें। इसके बाद फ़ोन नंबर में आप अगर नंबर को पुट करना चाहते हैं तो कर दें 32। एड्रेस में
इसके बाद फुटर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या चीज़ है, ये फुटर में जो सा है यहाँ पे कितने कॉलम्स शो हों, एक हों, दो हों, तीन हों, तो उसके लिए जो सा है बेसिकली जो से थ्री यूज़ होते हैं, तो आप भी वही यूज़ करें। फुटर टेक्स्ट, ये जो सा यहाँ पे फुटर टेक्स्ट शो हो रहा है, यहाँ पे भी कौन सा टेक्स्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो सा है मैं लिख दूँगा 2017 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेस्ट ऑनलाइन मेथड्स, ठीक है। इसके बाद फेविकॉन, फेविकॉन का मैंने आपको बताया था वो क्या चीज़ होती है, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फेविकॉन चेंज हो जाएगा अगर हम अपलोड पे क्लिक करें, और यहाँ से मैं यही लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यही फेविकॉन में शो। इसके बाद कस्टम स्क्रिप्ट है गूगल एनालिटिक्स की, गूगल एनालिटिक्स भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये एसईओ के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इससे जो से अपनी वेबसाइट की पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्या हो रहा है, कितने विजिटर आ रहे हैं, कौन कौन से कंट्री से आ रहे हैं और कौन कौन से सर्वर वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये गूगल एनालिटिक्स जो से उस काम के लिए यूज़ होता है। अब मैं जो से अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, अब ये ऊपर मेरा नंबर भी आ गया है, एड्रेस भी आ गया, अब कोई बंदा फेसबुक के आइकन पर क्लिक करेगा तो मेरा फेसबुक पेज नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है नीचे फुटर में जो सा हमने डाला है 2016 बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग मेथड, इसके बाद ये नीचे आ रहे डिज़ाइन बाय स्मार्ट कैट, ये रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रीमियम थीम नहीं है, ये फ्री थीम है, तो इस वजह से लोग जो से अपनी थीम की प्रमोशन के लिए नीचे फुटर में अपना नेम दे देते हैं, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकती है। इसके बाद है बेसिक सेटिंग कर ली, अब इसके बाद डिज़ाइनिंग में आएंगे, डिज़ाइनिंग में जो सा है वो कह रहा है कि आप जो सा है थीम की कलर स्कीमिंग चेंज करना चाहते हैं, ये चाहें तो वो कर सकते हैं, ये जैसे कि इसकी ऑरेंज थीम है, ऑरेंज कलर में लगी है, तो हम जो सा अगर इसको यहाँ से ग्रीन में करेंगे तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं जो वेबसाइट पे शो हो रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, और फॉन्ट का जो सा नेम है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ये ग्रीन कलर जो सी स्किन थीम है इसको सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। अब जो सा मैं अपनी वेबसाइट पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन थीम शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद है सिंगल पोस्ट, यहाँ पे शो हो रहा है सिंगल पोस्ट लेआउट कि आपकी पोस्ट का लेआउट किस तरह का होना चाहिए, तो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है फुल विड्थ और राइट साइड बार पेज लेआउट, तो ये राइट साइड बार पेज लेआउट शो हो रहा है, तो यही ज़्यादातर शो होता है। इसके बाद सिंगल पोस्ट फ्यूचर इमेज शो हाइट, ठीक है, होम पेज पे आ जाएं, होम पेज पे वो पूछ रहा है कि होम पेज डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, होम पेज डिज़ाइन ये अभी फुल विड्थ में है क्योंकि पूरी विड्थ पे शो हो रहा है, तो ये फुल विड्थ सेलेक्ट है, अगर हम यहाँ से इसको साइड बार वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका जो सा है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि साइड बार वाले में क्या शो हो रहा है। साइड बार वाले में ये हमारा जहाँ पे पोस्ट एरिया है उसके यहाँ पे साइड बार शो हो गया है, ठीक है। और अब जो सा है यहाँ पे इसके नीचे स्लाइडर की सेटिंग कि अगर आप स्लाइडर शो करना चाहते हैं तो शो करवा सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो उसको ऑफ कर दें। हम स्लाइडर में अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स लगी हैं और हर स्लाइड में एक ही पिक्चर है, ठीक है। अब मसला है कि इस पिक्चर का साइज़ क्या है, उसी लिहाज से जो सा हमने इस पिक्चर को डिज़ाइन करके अपनी वेबसाइट के लिए बनाना है। अब मैं इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ तो यहाँ पे इसका कंप्लीट साइज़ आ गया हुआ है, ठीक है। अब जो सा है मैं मैयर रेट से इसका साइज़ चेक करूँगा और यहाँ पर पता चल जाएगा 1024x600 कर लें आप, ठीक है, तो ये साइज़ है इसका। हम देखते हैं कि शायद गूगल से कुछ इमेज मिल जाए इसके लिहाज से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेब स्लाइडर इमेजेस टेक्नोलॉजी, जी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, मैं इनमें से जो सा कुछ चंद एक डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है।
ये तीन इमेजेस जो सी हैं मैंने सेलेक्ट करके व्यू इमेज पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब किया, ठीक है। तो यहाँ से इनका फुल साइज़ आ जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर लूँगा, जहाँ पे सेव करनी है मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ स्लाइडर इमेजेस के नेम से, और यहाँ पे वन के नेम से सेव कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड वाला है उसको टू के नेम से सेव कर लूँगा। इसी तरह आप जो सा थर्ड वन को राइट क्लिक करके थ्री के नाम से सेव कर दूँगा। अब मैं जो सा है इन तीनों इमेजेस को जो सा स्लाइडर में फिट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जो सा है आप स्लाइड नंबर वन है इसको यहाँ से रिमूव कर दें और अपलोड के बटन पर क्लिक करें। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद है स्लाइड नंबर वन का टेक्स्ट और स्लाइड नंबर वन का टेक्स्ट, सॉरी, ठीक है। स्लाइड नंबर वन हम जो ही इस वेबसाइट को फ्रेश करते हैं जो सबसे पहली स्लाइड आती है उस पर एक टेक्स्ट आ रहा होता है, जैसा कि ये क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। अब ये स्लाइड नंबर वन है उसका स्लाइड नंबर वन टेक्स्ट है, स्लाइड नंबर टू टेक्स्ट है, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी प्रोवाइड कस्टम ट्रेनिंग वर्डप्रेस कॉमा ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ETC, ठीक है, सेक्टर हो गया। स्लाइड नंबर टू मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से अपलोड करता हूँ स्लाइड नंबर टू, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यही टेक्स्ट जो सा इसकी भी स्लाइड में डाल देता हूँ। आप यहाँ से जो सा एक कंप्लीट तरीके से जो सा वेबसाइट को कंप्लीट कीजिएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए जो सा ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह मैं थर्ड वन इमेज जो सी है उसको भी रिमूव करके जो हमने डाउनलोड की है वो मैं अपलोड कर लूँगा और सेलेक्ट कर लूँगा, बस, ठीक है। इसके बाद है ये स्लाइड नंबर थ्री है वो यहाँ पे एंड हो गई है। अब बॉक्स नंबर वन टाइटल है शो सिटी बॉक्सेस ऑन ऑफ, ठीक है। जी तो इसके बाद ये बॉक्स नंबर वन है, बॉक्स नंबर टू और बॉक्स नंबर थ्री, ठीक है, स्लाइडर के नीचे। इसी तरह जो सा है यहाँ पे बॉक्स नंबर वन टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। बॉक्स नंबर वन, ये बॉक्स नंबर वन है, ठीक है। अगर आप इनको शो करवाना चाहते हैं तो शो करा दें, अगर नहीं कराना चाहते तो उनको रहने दें, ठीक है। डेस्कटॉप मैं फ़िलहाल जो सा इनको नो कर दूंगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो सा इनको कंप्लीट कर लूँगा। अभी सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हमारे स्लाइडर्स आ गए हुए हैं, ठीक है। आपने जो सा उन बॉक्सेस में टेक्स्ट इनपुट करके जो सा है कंप्लीट एक वेबसाइट जो सा वो बनानी है। अब ब्लॉग पे आते हैं ज़रा, ठीक है। अभी जो सा है ये तीन चीज़ें रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स और कैटेगरीज, ये हमें जो सा तंग कर रही हैं, इनको जो सा हमने रिमूव करना है। वो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ से विजिट्स में चले जाएंगे, ठीक है। अपीयरेंस में विजिट्स है वहाँ पे जो सा है ये तीनों आ रही हैं, ये सर्च का है, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स और कैटेगरीज। ये होम पे, ये इधर यहाँ पे विजिट्स हमने ओपन की होम पेज टॉप विजिट ए, ठीक है। हम इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह सेकंड वाली जो सी है उस पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा मैं। थर्ड वन जो सी है उस पर क्लिक करूंगा डिलीट कर दूंगा। इसके बाद फोर्थ वन है उसको भी डिलीट कर दूंगा, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक सेव होती रहती है जो जो आप रिमूव करते रहते हैं। इसी तरह मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फालतू चीज़ें भी यहाँ से रिमूव हो गई हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। हमारा स्लाइडर भी ठीक हो गया और यहाँ से पोस्ट का, अब पोस्ट में जो सा यहाँ पे पिक्चर शो होनी चाहिए थी, हम यहाँ पे पिक्चर लगाते हैं पोस्ट में, पोस्ट में जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ से मैं एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे पिक्चर जब तक शो नहीं होगी तब तक ये पोस्ट का कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने पोस्ट एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे फ्यूचर इमेज है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी फ्यूचर इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पिक्चर को, ठीक है, और सेट फ्यूचर इमेज कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। और अब मैं जो है इसको फ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये पोस्ट आ गई है, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद इसमें चीज़ें और पोस्ट वगैरह करें, ठीक है। इसी तरह ये अब साइड बार पे जो सा है हम और मज़ीद विजट्स देखते हैं कि इस थीम में कुछ हैं। अपीरेंस में आता हूँ दोबारा और विजट्स में चला जाता हूँ, और अब ये है साइड बार, साइड बार या होम पेज टॉप विजट, साइड बार पे क्या क्या शो हो रहा है, आर्काइव शो हो रहा है, मेटा बॉक्स और सर्च बॉक्स। पेजेस आर्काइव मेटा बॉक्स टैग क्लाउड जी, तो यहाँ पे इन एक्टिव विजिट्स है, यहाँ पे ये शो हो रही है पेजेस आर्काइव मेटा हो गया और टैग क्लाउड, इनको रिमूव कर देंगे, अभी देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं वेबसाइट को। इसके वर्डप्रेस को साथ खेलना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके वर्डप्रेस की समझ आती है। हर थीम की अपनी सेटिंग होती है, दूसरी सेटिंग से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब ये आर्काइव की दृश्य हो रही है, साइड बार। अब मैं ज़रा पोस्ट पे क्लिक करके देखता हूँ क्या शो होता है, ठीक है। साइड बार में जो सा है मैं एक पिक्चर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ तो शोकेस डब्ल्यूपी कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये थीम हमने जो सा है इंस्टॉल की है, ठीक है ना, तो इसमें जो सा है अब ये ऊपर आ रहा है, अगर हम नोट करें विजेट में, दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, के ये थीम जो सी है कुछ प्लगइन्स जो से वो मांग रही है, वो प्लगइन्स के नाम क्या हैं, अवर टीम शोकेस और डब्ल्यू पी कंस्ट्रक्शन मूव, ठीक है। अब जो सा है हमने इस पर क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, जो जो प्लगइन्स थीम को यूज चाहिए होते हैं वो रिकमेंड करती है, ठीक है। इसको आप ऊपर सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल करें और अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये कुछ ही सेकंड में जो होता है इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद हमने इनको एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहे हैं, एक तो हो गया है, अब दूसरा हो रहा है। इन प्लगइन्स के अपने अपने फंक्शन होंगे, मुझे भी नहीं पता, मैं देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि ये प्लगइन्स किस चीज़ के हैं। इंस्टॉल हो गए हैं, अब यहाँ पे लिखना है रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल हो गए हैं, यहाँ पे स्टेट भी आ रहे हैं इंस्टॉल बट नॉट एक्टिवेटेड, ये दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर ऑप्शन में जाके एक्टिवेट करना है और अप्लाई कर देना है जी। तो ये आई थिंक एक्टिवेट हो गए। अब जो होता है हमने यहाँ पे आना है, कहाँ पे कहाँ पे जी प्लगइन में आना है, देखना है कि यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। हाँ जी ये देखें, अब ऑटोमेटिक की जिनसे वेबसाइट रिफ्रेश हुई है और यहाँ पे ये आ रहा है टीम मेंबर्स और कंस्ट्रक्शन मेंबर्स।